गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम की। आज हम लेवलिंग के कुछ कॉमन यूज होने वाले टर्म्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो सबसे पहले हम अपनी दूरबीन को समझते हैं, अपने टेलीस्कोप को समझते हैं। ये देखिए हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के इस पार्ट को आई पीस बोलते हैं, जहाँ से सर्वेयर अपने आंख से अपने ऑब्जेक्ट को देखता है। इसके आगे ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये हमारा डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम और ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस होता है। इस पार्ट को हमारा ऑब्जेक्ट लेंस बोलता है। ये कई लेंसों से मिलकर बना होता है। जब हमारा सर्वेयर अपनी आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, तो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच से हमारे आईपीस के सेंटर तक बनने वाली इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा को ही एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। अब दूरबीन के जस्ट बगल में हमारा बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब कुछ हमारा इस प्रकार होता है। बबल ट्यूब के बबल को हम अपने फ्रूट स्क्रू से सेंटर पे बबल को लाते हैं। जब हमारा बबल सेंटर पर आ जाता है, तो हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाता है। जब हमारा दूरबीन टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, तब हमारा डायाफ्राम के सेंटर से ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच में बनने वाली इमेजिनरी लाइन को ही हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। परंतु जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से हम अपने किसी भी टारगेट को, जो इंक्लाइन टारगेट है, उसको जब हम देखते हैं, तो हमारा दूरबीन टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होने की अवस्था में हमारा ऑप्टिकल सेंटर से डायाफ्राम के सेंटर तक बनने वाली इमेजिनरी लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट तब बोला जाता है जब हमारा टेलीस्कोप हमारा टिल्ट हो जाता है। जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नहीं होगा, तभी हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा। परंतु जब हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, तो हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेंचमार्क पे। बेंचमार्क स्थायी तलचिन्ह होता है। बेंचमार्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी हमारे नेचुरल सरफेस लेवल पर हम किसी बिंदु की उच्चता को मापते हैं। ये हमारी उच्चता मीन सी लेवल्स के रेस्पेक्ट से नापी जाती है। मीन सी लेवल पे हमारा 0.00 मीटर मापा जाता है। पहले तो हम मीन सी लेवल को हम कराची के समुद्र तल को ही के रेस्पेक्ट में किसी बिंदु के बेंचमार्क को हम नापते थे। परंतु जब से कराची पाकिस्तान में हो गया, तब से हम मुंबई के समुद्र तल के रेस्पेक्ट में किसी भी बिंदु के बेंचमार्क को मेजर करते हैं। मान लीजिए हमारे मीन सी लेवल से इस बिंदु की उच्चता 100 मीटर है, तो ये हमारा एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया जाएगा। तो बेंचमार्क हम समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु की उच्चता मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में मापी जाती है, वो बिंदु हमारा बेंचमार्क कहलाता है। बेंचमार्क हमारे चार टाइप के होते हैं। जीटीएस बेंचमार्क, ग्रेट टेक्नोमेट्रिक सर्वे। ग्रेट टेक्नोमेट्रिक सर्वे हमारा सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से स्थापित किया जाता है। इसमें ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक उचित दूरी पर स्थापित किए गए हैं, जो हमारा मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट से नापे गए हैं। नेक्स्ट है परमानेंट बेंचमार्क। जब हम सर्वे स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जीटीएस बेंचमार्क विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित एक उचित दूरी पर है, जहां से उसके रेस्पेक्ट में हम एक नेक्स्ट बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं। और ये बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसको परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क वो बेंचमार्क है जहां से हम अपना सर्वे स्टार्ट करता है और एक दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक अपना सर्वे करता है, परंतु नेक्स्ट डे के लिए वो अपने सर्वे को पोस्टपोन कर देता है और जिस जगह वो अपना सर्वे खत्म करता है वहां पर एक टेम्परेरी बेंचमार्क स्थापित करता है। आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमें अपनी कैनाल बनानी है। कैनाल बनाने के लिए सर्वेयर अपना सर्वे इस बेंचमार्क से स्टार्ट करता है और एक दिन में यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ तक पहुँचने पर अगले दिन वो यहीं से अपना सर्वेयर अपना काम स्टार्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे वो अपना टेम्परेरी बेंचमार्क स्थापित कर देगा। इसी को टेम्परेरी बेंचमार्क बोला जाता है। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क वो बेंचमार्क है, जैसा कि आप जानते होंगे आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में आपके शिक्षक लोग एक प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी पॉइंट को एक स्वेच्छा से अपने बेंचमार्क मान लेते हैं। उस बेंचमार्क की दूरी वो जैसे 100 मीटर या 200 मीटर मान के आपसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने को बोलते हैं, उसी पॉइंट को आर्बिट्रेरी बेंचमार्क बोला जाता है। ये एक स्वेच्छा से माना गया बेंचमार्क होता है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।